हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अभी जी आप तो सही पकड़े हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एक ऐसा माहौल बनाए हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोनो रोमांस होने वाला है। हो जाए तो आई डोंट माइंड। हाँ का बोले। भाभी जी स्वयं पौधों को पानी दे रही है। मैं कानपुर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूँ। वहाँ का जो पागल खाना है वहाँ पे मेरी सख्त ज़रूरत है भैया। लेकिन जाने से पहले मैंने एक फैसला किया है कि मैंने आपसे जो भी लिया है मैं आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। भैया आपने मुझे टोटल 2400 दिए। लाइए दीजिए। आप जाइए ना, आप बनाइए घुइया के पराठे, में आधे घंटे में इनका पूरा हिसाब किताब सेट कर दूंगा। कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हें अपनी फिल्मों में काम देगा? अरे बेवकूफ डायरेक्टर मैं हूं जी। मैं एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म बनाने वाला हूं और उसके लिए मैं मैडम को एज ए हीरोइन साइन करने आया हूं। अभी शॉट शुरू करते हैं जी, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, एक्शन। हाय रब्बा, हमरा खसी अभी तक काहे नहीं आया। आई लाइक इट। अभी जो खसी नहीं है वो जस्सी है, जस्सी सही पकड़े हैं। फिल्म के निर्देशक आए रहे घर पर। हाँ, और हमको चाहते हैं कि हम उनका फिल्म में हीरोइन बने। तुम चिंता नहीं करो बहुरिया, हम हीरोइन नहीं बने तो का, लेकिन तुमको हम हीरोइन बना के रहेंगे, समझी? अभी शॉट शुरू करते हैं जी, सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, एक्शन। हाय रब्बा, हमरा खसी अभी तक काहे नहीं आया। आई लाइक इट। अभी जो खसी नहीं है वो जस्सी है, जस्सी सही पकड़े हैं। हीरो जो है हीरोइन से 6 महीने बाद मिल रहा है, ऑडियंस के लिए मसाला होना चाहिए ना। ओए जप्पी जप्पी डलवा। जप्पी नहीं, वो जप्पी के साथ साथ पप्पी भी बनती है। यस नहीं, एक्शन। हाय रब्बा, हमरा खसी अभी तक काहे नहीं आया। अभी जो खसी नहीं है वो जस्सी है, जस्सी सही पकड़े हैं। कट 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 कट। हाय रब्बा, हमरा खसी अभी तक काहे नहीं आया। अभी जो खसी नहीं है वो जस्सी है, जस्सी सही पकड़े हैं। तू यहाँ पे आकर के बैठ जा और फिल्म को डायरेक्ट कर ले। yes. 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार ओ अब्बा, लंबी जुदाई। अभी अब्बा नहीं, रब्बा। सही पकड़े हैं। एक काम कर, छाता छोड़, बैठ यहाँ पे, कर दो फिल्म डायरेक्ट। नहीं करनी मुझे फिल्म। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद? ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। कौन सा नया कर्म कांड करने को कह रहे हैं पंडित रामफल? तुमको अब बहुरिया को खुल्लम खुल्ला रोमांस करना है, समझे? कहे कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। आई भांट टू किस यू। अरे तो करो ना, कौन मनहूस रोक रहा है? I can understand, टंडू के भैया, I can understand. वो छिछोरे, गए गुजरे, कमीने किस्म के आदमी हैं। लेकिन भाभी जी, आप तो ये क्या क्या बका आपने? अभी अभी कुछ कहा ना कि हम कुछ छिछोरे टाइप के, जलील टाइप के, ऐसा 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 कुछ हमारे बारे में कहा आपने? अभी कहा कहा आपने? मैंने ये अर्ज किया है कि आप जैसा गया गुजरा, जलील, छिछोरा आदमी इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप एक नंबर के छिछोरे आदमी हैं। छिछोरे होंगे आप, भाभी जी को छोड़कर आपका पूरा खानदान छिछोरा है। भाभी जी को छोड़ के आपका सारा खानदान छिछोरा है। अब बस कीजिए बलबूती।
जी आप काए 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 हम रियलिटी के भैया के रोमांस के बीच इंजेक्शन कर रहे हैं। That's objection, भाभी। सही पकड़े हैं। आप भी अनीता जी के साथ रोमांस कीजिए ना, आपको कौन रोका है? नहीं। आप भाभी जी के साथ रोमांस नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप भाभी जी के काबिल नहीं है। आप भी तो भाभी जी के काबिल नहीं है। ज्यादा बकवास मत कीजिए और हम दोनों के बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए। हम अंगूरी के साथ रोमांस करने जा रहे हैं ना पगलिया? Can't do this. नहीं। अरे क्या हुआ विभूति भैया, आप इतना रो क्यों रहे हैं? आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अगर आपके अंदर संस्कार नाम का चीज होता ना, तो आसपास जो ये अश्लीलता फैली हुई है ये ना फैलती। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर जी सूती है इनको। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? यार प्रेम, इस तिवारी के बच्चे ने तो हद कर दी है यार। लेकिन मैंने भी उसको ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रखेगा बेटा। ऐसा क्या किया तूने? मैंने मास्टर जी से उसको इतनी संटियां पढ़वाई हैं कि बैठा हुआ सेक रहा होगा अभी तक। अब जिंदगी में ऐसी हरकत कभी भूल के भी नहीं करेगा। हाय दिया, अल्लाह जी के भैया जल्दी आइए। क्या हुआ पगली? देखिए ना, आज मौसम कितना बेईमान है। क्या बात भाभी जी, कहाँ जा रही हैं टैक्सी में? तिवारी जी, जा रही हूँ मैं कुछ महीनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर, छोड़कर ये इस घर को। भाभी जी, हमारी लाश पर से होके गुजरना पड़ेगा। तुम पहले पट्टी तो खोलो। नहीं भाभी जी, तिवारी जी आ जाएगी। नहीं, तुम जब पट्टी खोलोगे ना, तो तुम्हारे सारे लाख दो लाख रुपये को फायदा हो जाएगा। बताइए 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 कहाँ है? अरे गाय की जीत गई। मैं यहाँ बात नहीं, उस बेचारी लड़की का हक मांगने आया। मैं उसे इस घर में लेकर आया था और आज तेरी वजह से उस घर को छोड़कर जा रही है। क्या माधव के दिल में इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं गांव वापस जा रही हूँ। मैं भी हमेशा के लिए तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, इसलिए कानूनी तौर पर इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। डिवोर्स पेपर्स लेकर आया हूँ मैं। ये दोनों को लड़ाई करने से कैसे रुकना है हमको पता है। मैंने आपसे कहा था ना बड़ी माँ कि मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा, तो मैं यहाँ आ गया। अंकल एक आंटी के साथ है, आप चली जाओ। ये यक्ष शक्ति है, इसे कोई नहीं बच सकता। आज या तो भक्त का अंत होगा या भगवान का। श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने की मंशा लिए शिशुपाल चलाता है उन पर सर्वनाशी यक्ष शक्ति, परंतु बीच बचाव करने आई रुक्मणी स्वयं हो जाती है घायल। और पांच वर्षों पुरानी विष्णुवंत की इच्छा लिए कंस, पांच युगों से विष्णु शत्रु और महा असुरों की माता धनु माँ का करता है आह्वान। तुम्हारी मौत हो तो मेरे हाथों ही लिखी है। पुष्कर, आज तुझे रोकने के लिए अगर मुझे गोली भी चलानी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। के
विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तो, इसीलिए मैंने निर्णय किया कि मैं संसार की समस्त प्राण वायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे? संकट मोचन हनुमान।